Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपकी एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि थर्सडे यानी कि 24 जून 2021 के लिए है, यानी कि कल के दिन के लिए है। देखते हैं कल का दिन आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। एंजल्स डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, कल का दिन आपका किस तरह का दिन होगा, लेट्स सी दैट। ओके, सो तीन कार्ड निकालूंगी। तो पहला कार्ड है सिक्स चक्र आर्केंजल मेटेट्रॉन, ऑल टाइड आपका कार्ड है एंड कम्युनिटी का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। कल के दिन आपको जो भी फैसले लेने हैं अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेट नहीं करेंगे, अगर आप जो डायनेमिक पावर है उसके ऊपर रिलाय नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हो जाएंगे। आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस बनाने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हैं। अगर आपके जो ड्रीम्स हैं या फिर आपके डिसीजंस हैं या जो आपका विजन है वो क्लियर नहीं है तो यकीन मानिए आप कल के दिन पर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड फील करेंगे। और अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने थर्ड आई चक्र पर काम करना है, आपको मेडिटेट करना है। आप जिनको भी मानते हैं उनके बारे में ध्यान करके मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑल टाइड अप का कार्ड है। आप अपने आप को कल के दिन बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करेंगे। आप ये फील करेंगे कि जिस तरह का आपका पोटेंशियल है आप उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। कल के दिन पर आप अपने आप को इमोशनली ड्रेन्ड भी फील करेंगे, ठीक है। और आप अपने आप में एक ये भी चीज महसूस करेंगे कि आप चीजों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपनी ब्रिलियंस कम होती हुई नजर आएगी। कल के दिन पर कोई भी फैसले जो कि आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में हो, आपकी लव लाइफ के रिगार्ड में हो, वो आपको नहीं लेने हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है। कल के दिन आप सोशलाइज कर सकते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर करे जो पहले तो बहुत ही प्रभावशाली पर्सनालिटी का इंसान हो लेकिन बाद में आपकी ज़िंदगी को रोइन कर सकता है, आपको टेम्पटेशन दे सकता है, आपको एक छलावा दे सकता है। तो इस एनर्जी का बहुत कम्प्लीटली आपको ध्यान रखना, बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को समझेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने डिसीजंस में किसी और को इन्वॉल्व कर सकते हैं तो डिवाइन के अलावा आप किसी को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, अदरवाइज सिचुएशन आपके लिए टफ हो जाएगी। कल के दिन ट्रैवल करना भी अवॉइड कीजिएगा। हेल्थ की टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो कल के दिन आप बहुत एंशियस रहने वाले हैं। आपकी एनर्जीज यहाँ पर कुछ खास स्टेबलाइज मुझे नज़र नहीं आ रही है। कल के दिन आपको छलावा इन द टर्म्स ऑफ योर अबंडेंस होगा। अबंडेंस का मतलब ऐसा है, आपको एक प्रपोजल मिल सकता है जो कि प्रपोजल वैसा नहीं होगा जिस तरह का आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके जॉब करियर में आपको कुछ एडवांसमेंट मिले लेकिन वहां पर आप देख परख कर ही चीजों के बारे में डिसीजन लीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे चीजें आपको दिख रही हैं आप वैसे ही उन चीजों के ऊपर एक्ट कर जाएंगे तो आप डेफिनेटली एंजाइटी की एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कुछ प्रैक्टिकल दिखेगा लेकिन वो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा समझ के कल के दिन किसी को कुछ कमिटमेंट मत दीजिएगा। मींस आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कल के दिन पर ना तो किसी से लीजिएगा ना किसी को देने की जरूरत है। ओके, और कल थर्सडे का दिन है तो कल के दिन पर आप किसी पीली चीज का दान कीजिए, अपने गुरु का ध्यान कीजिए। ऑब्वियसली यहाँ पर सिक्स चक्रा का कार्ड आया है, थर्ड आई चक्रा का कार्ड आया है तो अपने गुरु का ध्यान करना बहुत जरूरी है। उन्हें थैंक यू कहिए, उनसे माफी मांगिए। अगर कोई भी गलती आपसे हुई है तो उस चीज़ के लिए उनसे माफ़ी मांगिए और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज को शो कीजिए। कल के दिन येलो कलर के कपड़े डालिए, हल्दी का टीका लगाना मत भूलिएगा। अपने नहाने वाले पानी के अंदर भी आप हल्दी की एक पिंच ऐड कर सकते हैं। जो बेसन के लड्डू होते हैं उसे किसी को दान कीजिए, मीन्स कोई भी बच्चा हो उसे देना ज़्यादा अच्छा है, नीडी को देना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आप उसे मंदिर में दान करें। ओके, चने की दाल, बादाम आप इनका दान कर सकते हैं। बादाम का मैंने ये नहीं कहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कीजिए, आप एक गिरी जो उसकी होती है या फिर तीन या फिर पांच आप उसका दान कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।
सो इस तरह की एनर्जीज हैं कल की. आई होप यू कैन चैनलाइज दीज एनर्जीज इन अ बेटर वे. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड सी यू सून.